चिल्ड्रन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही यूजफुल वीडियो, क्योंकि मेकअप जो है सारी लड़कियों को बहुत पसंद होता है, बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का जो वीडियो है वो मेकअप ब्रशेस क्लीनिंग पर ही बना दिया जाए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा वेराइटी में क्लीन की जा रही है कि बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, बहुत ज्यादा ग्लव्स वगैरह भी आ रहे हैं, काफी हाई ब्रांड्स की भी जो वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल सस्ता सुंदर टिकाऊ फॉर्मूला, और जो मैं काफी सालों से यूज कर रही हूँ और मेरी ब्रशेस को कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मेरे पास सारी जो है वो सिंथेटिक ब्रशेस हैं और जिन पर मैंने ये सब यूज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो तरीका है वो है ये वाइप्स। आप कोई भी वाइप्स ले लीजिए, जो मेकअप रिमूविंग वाइप्स होती हैं उन पे अगर आप ये रगड़ेंगे, ये एक वाइप लेके और इसको आप रगड़ेंगे इसको इस तरीके से सर्कल में, तो आपकी ब्रश जो है एक टेम्पररी तौर पे क्लीन हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये डीप क्लीन होगी, लेकिन जब भी आप मेकअप करने जा रहे हैं, आप डीप क्लीन नहीं करना चाहते, तो जस्ट एक मेकअप वाइप लीजिए और जस्ट इस पे राउंड राउंड कीजिए एंड यू आर डन। तो इस तरह से आप ये टेम्पररी क्लीन कर सकते हैं ना। सेकेंड वे जो है, आप सेम जो है टिश्यू ले लीजिए, कोई भी इस तरह से कोई टिश्यू ले लीजिए, और इसके लिए मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप एलमंड ऑयल ले सकते हैं, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। हम थोड़ा सा बूंद डालेंगे और इसको मेकअप जो ब्रश है इसको सर्कल में घुमाना है, इसको ऐसे किसी भी डायरेक्शन में नहीं, सर्कल में घुमाना है, जिससे कि इसके ब्रशेस जो है वो खराब ना हो। जब हम ये कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके ब्रशेस बहुत ज्यादा अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये वाला जो तरीका है, आई थिंक आप जो ओरिजिनल ब्रशेस होती हैं उन पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है आपको आपके घर में मिल जाएंगे। अच्छा, तीसरा तरीका है ये जो मैं प्यूमा का ये ब्रशेस क्लीन करने के लिए, ये मैंने अली एक्सप्रेस से लिया था, आई थिंक नहीं सॉरी मैंने अमेजोन से लिया था। ये है पूना स्टोर का और ये मुझे आई थिंक 70 रुपए या कुछ ऐसा मिल गया था। पिक्चर में मुझे काफी बड़ा दिख रहा था तो मुझे लगा काफी बड़ा होगा, बट दिस इज हैंडी। और इसको इस तरीके से पकड़ना है और इस पे मैं यूज करूंगी जॉनसन्स का शैम्पू। आप कोई भी क्लींजर यूज कर सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं, इतने बाथ एंड बॉडी के भी जो शावर जेल्स आते हैं, कोई भी शावर जेल आप यूज कर सकते हैं जिनको हम अपनी बॉडी पे यूज करते हैं। दोज आर माइल्ड, ऐसे नहीं कि कोई डैंड्रफ वाले शैम्पू यूज कर लिए, कुछ ऐसे थोड़े से माइल्ड होने चाहिए वो आप यूज कीजिए। इस पर थोड़ा सा ड्रॉप डाला और ब्रश को सर्कुलर मोशन में इसको घुमाना है जब तक ये क्लीन नहीं हो जाए। जब ये क्लीन हो जाए, साफ पानी से धोके इसको टॉवल पे बिछाइए ब्रशेस को और इनको सूखने दीजिए। आप देखिए ब्रशेस ये डीप क्लीन हुई है। तो ये वाला जो तरीका है शैम्पू वाला या आप जेल वाला, ये डीप क्लीनिंग के लिए है। अगर ये वाला आप जो है 15 दिन में एक बार यूज कर सकते हैं। अच्छा, ओरिजिनल ब्रशेस जो है उनको कहते हैं कि बहुत ज्यादा बार बार उनको वॉश किया तो वो खराब होने के डर रहता है ब्रशेस का। तो आई चूज सिंथेटिक ब्रशेस, ये बहुत ज्यादा अच्छी रहती है यूज करने में। ब्लेंडिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ब्रश ले रहे हैं। बहुत ज्यादा सस्ती पर भी मत जाइए, बहुत ज्यादा महंगी पर भी नहीं, एक बीच की सी। अगर आपको इस तरह का कोई वीडियो चाहिए कि किस तरह से ब्रशेस चूज करें तो वो भी मैं आपको आपके लिए बना दूंगी। जस्ट कमेंट आप मेरे लिए कर दीजिए जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो चाहिए। तो ये जो है मेरे पास सारी ही सिंथेटिक ब्रशेस हैं, तो ये बहुत अच्छे से यूज हो रही है मेरी। आप देख सकते हैं सारे ब्रशेस जो हैं ये मैं अभी तक मेरी कोई भी ब्रश मेरी खराब नहीं हुई है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये वाली जो ब्रश है, ये जो मेरी है, ये 15 साल हो गए ब्रश को, और ये आप बिल्कुल भी ना ये यहाँ से निकली है ना कुछ, ये 15 साल पुरानी ब्रश है। ये जो आती थी वेवा की, वेवा है कौन सा है, कौन सा ब्रांड है उसकी ये, हाँ सॉरी वेगा का इसका 5 या 6 का सेट आता था, उस टाइम पे 90 रुपीज में मुझे याद है, तो वो मैंने ली थी। तो ये जो है ये ब्रश आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरीके से क्लीन करती हूँ इसमें कोई भी खराबी नहीं आएगी। अच्छा, कितने दिन में ब्रश क्लीन करनी चाहिए? अगर आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो आप एवरी टाइम उसको क्लीन कीजिए, आप वाइप से क्लीन कीजिए उसको या ऑयल से क्लीन कीजिए। अगर आपकी नॉर्मल स्किन, आपकी ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, आपकी बहुत ज्यादा गंदी हो जाएगी तब जाके आपको फर्क आएगा, तो आई थिंक 15 डेज 20 डेज या महीने भर में एक बार आप क्लीन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप थोड़ा सा भी ये यूजफुल रहा होगा आपको ये वीडियो, और थोड़ा सा भी रहा है तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कमेंट करके बताइए किस तरह की वीडियोस और आप चाहते हैं मेरे चैनल पे। टिल देन बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।